तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। तो मैं आपका हरमन जी, हमारे फ्रेंड्स प्रवीण। सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो व्लॉग्स का चैनल है। हम यहाँ पर ज्यादातर फनी व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज हम ऐसा कुछ भी अपलोड करने वाले नहीं है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो की हाल ही में हुई है, अभी शिवरात्रि के दिन। शायद आप उसके बारे में जानते भी होंगे, आप सभी को पता ही होगा कि जो एलबीसी यादव और मैक्सटीन के बीच में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उनकी फाइट हो चुकी है आपस में, ठीक है। तो गाइस, हमें इसी चीज पर आज बात करने वाले हैं कि जो एलबीसी यादव है और मैक्सटीन है, उनके बीच में फाइट कैसे हुई, उस चीज का कारण क्या था। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो एलबीसी यादव है बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं मेन चैनल पे, और उनका एक व्लॉग चैनल भी है जिसमें 7 मिलियन से प्लस ही सब्सक्राइबर्स हैं, और जो हमारे मैक्सटीन भाई हैं उनके भी 1 मिलियन से प्लस हैं। तो गाइस, मैं आपको रियली बताऊं तो जो हमारे मैक्सटीन भाई है, मैं उनको जानता ही नहीं था, क्योंकि अब जब कॉन्ट्रोवर्सी में है तो मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि उनके बीच में फाइट हो चुकी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली, यानी कि फिजिकल फाइट हो चुकी है, वो आपस में घुसामुखी कर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम भी एक यूट्यूबर हैं, बेसिक बहुत ही ज्यादा छोटे से यूट्यूबर हैं, लेकिन हम यूट्यूब की दुनिया में पैर रख चुके हैं, क्योंकि हमारा चैनल है वही मोनेटाइज हो चुका है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज के बारे में अपना जागरूक करें, ठीक है, एक्सप्लेन करें, क्योंकि कल को हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, तो बात शुरू होती है जो हमारे मुन्नावर भाई हैं, आप जानते होगे मुन्नावर भाई को, एलबीसी यादव भाई ने उनको पहले रोस्ट भी किया था। उसका कारण ये था कि जो हमारे मुन्नावर भाई हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ अपशब्द यूज किए थे, शायद हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोला था, मतलब हिंदू धर्म के ज्यादा बोलते हैं, मतलब भगवानों को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब हिंदू धर्म के बारे में रिगार्डिंग ज्यादा बोलते हैं, बिल्कुल। तो उसके बारे में एलबीसी यादव ने उनको रोस्ट भी किया था। तो अभी हाल ही में जो अपने मैच है वो चल रहे थे, तो उसके बीच में क्या हुआ कि एलबीसी यादव और मुन्ना भाई का ना आपस में हुआ था, मतलब आपस में बहुत ही ज्यादा नजदीक क्लोज फ्रेंड बन गए, उनकी कुछ फोटोज यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर अपलोड हुई थी, जिसमें बहुत ही ज्यादा नजदीक जो मुन्ना भाई और एलबीसी यादव दोनों नजदीक दिखाई दे रहे थे। तो गाइस, बात यहीं से शुरू होती है, जो एलबीसी यादव के फैन है ना, जो जिसे हम बोलते हैं एलबीसी आर्मी, तो वो भी ज्यादातर जो एलबीसी यादव के जो एलबीसी आर्मी है वो ज्यादातर हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। तो गाइस, उस जब मुन्नावर भाई और अपना एलबीसी यादव भाई की जो फोटोस है वो अपलोड हुई इंस्टाग्राम पर, जो अपना रिलेशन नजदीक वाली फोटोस थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो मिलजुल रहे थे आपस में, तो जो एलबीसी आर्मी थी वो गुस्सा खा गई। उसने एलबीसी आर्मी ने एलबीसी यादव को कहा कि भाई, इन्होंने तो अपना जो हिंदू धर्म है उनको उल्टा सीधा बोला था, अपने भगवानों को उल्टा सीधा बोला था, तो आप इसके साथ फोटोज क्यों खिंचा रहे हैं, यानी कि आप इसके साथ इतना मिलजुल रहे हैं ना, ऐसा ही हुआ था कुछ, ऐसा ही हुआ था है ना। तो गाइस, जड़ी एलबीसी आर्मी थी वो कह रहे थे भी आपने फोटो क्यों खिंचाई है मुन्नावर फारूकी से, क्योंकि एलबीसी आर्मी उन्होंने मुन्नावर को पहले रोस्ट भी किया था, और अभी एकदम ऐसे मिलजुल रहे हैं, तो अपना संडली सी बात है कि ऐसा तो होगा ही, जो अपनी एलबीसी आर्मी है वो तो गुस्सा करेगी ही। तो उसी बीच में जो हमारी मैक्सटीन भाई है, उन्होंने ऐसे मतलब जो ट्विटर पर उनको रोस्ट किया, एलबीसी यादव को नहीं, एलबीसी आर्मी को, उन्होंने बोला कि जो एलबीसी आर्मी है वो गवार है, यानी कि अनपढ़ है। उन्होंने एलबीसी यादव को बिल्कुल भी नहीं बोला, उन्होंने बोला एलबीसी यादव की ऑडियंस को, क्योंकि जो ऑडियंस ही अपना जो मुन्नावर भाई और एलबीसी यादव का जो मेल जोल है उसे गलत वे में ले रही थी, यानी कि रॉन्ग वे में उस एक्ट अपना एक्सप्लेन कर रही थी उस चीज को जो उनकी फोटोज थी। तो जो हमारे मैक्सटीन भाई है उन्होंने उस चीज को बोला कि जो एलबीसी आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा अनपढ़ है, यानी कि अनपढ़ या गवार है, यानी कि वो ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर फैला रहे थे। तो उसी चक्कर में जो हमारे एलबीसी भाई है उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने टैग कर बोला कि भाई साहब, आप भी दिल्ली में रहते हो, आप ये मत बोलो, यानी कि हम बताएं तो वो उनके कहने का सीधा सा मतलब था कि भाई आप भी दिल्ली में रहते हैं, तो इस चक्कर में आप ऐसा मतलब तो उसी चक्कर में जो हमारे मैक्सटीन भाई हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एलबीस भाई हम मिल लेते हैं, ठीक है। एलबीस भाई ने भी अपनी जो वीडियो रिसेंटली अपलोड की है, उन्होंने बताया कि हाँ, मैं मैक्सटीन से पहले भी मिला हूँ इसके पहले। तो पहले हम बात करते हैं एलबीस भाई की, जो लॉन्ग वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया।
तो उसमें उन्होंने बताया कि जो मैक्सटीन भाई हैं, ठीक है, मैं उनसे पहले मिला हुआ हूँ, इससे पहले कंट्रोवर्सी से पहले, तो उसके बाद जब मिले थे उसके बाद जो मैक्सटीन भाई हैं उनको पॉक कर रहे थे ट्राइव पर ट्विटर पर, ठीक है, एलविश यादव को बोल रहे थे कुछ उल्टा सीधा, यानी कि दोगला। हमें उसके बारे में इतनी जानकारी बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी तो हम यूट्यूब पर अभी नए नए आए हैं, तो हमें इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता। तो एलविश यादव ने एक बहुत ही बड़ा ब्लेम है जो लगाया है कि मैक्सटीन भाई हैं जो बोल रहे थे कि हम उसके माँ बाप को जला देंगे, हाँ माँ बाप को जला देंगे, कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा दिला दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा दिला दूंगा, यानी कि एलविश यादव को धमकी दे रहे थे जो अपने जो मैक्सटीन भाई हैं। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता, कि ना ही हमें हमारे पास प्रूफ है ना ही सोशल मीडिया पर कोई। अब मैक्सटीन कह रहे हैं मैंने ऐसा चीज कोई भी शब्द नहीं बोला, तो उसी चक्कर में जो यानी कि मैक्सटीन भाई उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो एलविश यादव को इससे कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो एलविश यादव की आर्मी को ट्रोल किया था कि जो उनकी आर्मी है वो अपना अनपढ़ है यानी कि गवार है। लेकिन उसी चक्कर में जो एलविश यादव भाई है उन्होंने उन्हें बोल दिया कि आप दिल्ली में रहते हो मतलब भूलो, तो मैक्सटीन भाई ने उनको बुलाया ऐसे ही मतलब गुड़गांव में ही उन्होंने अरेंजमेंट की, यानी कि बुलाया उनको। उस कंट्रोवर्सी के बाद जो एलविश भाई हैं और मैक्सटीन भाई हैं उन्होंने कहा कि चलो हम मिल लेते हैं आपसे, ठीक है, तो वहीं पर गुड़गांव में मिले थे तो गुड़गांव में मिले, तो वहां पर क्या हुआ कि जो हम अपने मैक्सटीन भाई हैं तो उन्होंने पहले ही अपना कैमरा सेट करके रखा था और माइक भी लगा कर रखा था, जैसे कि आपने वो वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें एलविश यादव उनको अपना जो थप्पड़ वगैरह चांटे वगैरह मारते हैं, तो उसी चक्कर में जो हमारे अपना मैक्सटीन भाई हैं उन्होंने वहां पर अपना कैमरा सेट किया, कैमरा सेट कर रखा था, उनके साथ भी तीन आदमी थे लेकिन वो कमरे से बाहर थे, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी अंदाजा नहीं था कि जो एलविश लड़ाई होगी फाइट होगी, वो अपना आते वक्त ही उन्हें मारने लग जाएंगे, उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो जब एलविश भाई आए तो उन्होंने मैक्सटीन भाई उसके साथ हाथ मिलाने लग गए थे, तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो उन्होंने सीधा थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने फिर अपनी नोज है नोज पर मुक्का मारा, मुक्का मारने के बाद फिर उन्होंने जो उसके साथ बाउंसर थे मतलब 5-6 बाउंसर थे उनका मोबाइल लेकर उसकी नेक पर मारा, तो ऐसी कुछ फाइट हुई, आपने वीडियो भी देखी होगी जो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है आज के टाइम, क्योंकि उसका जो लिप्स है वो भी फूला हुआ है मतलब। तो गाइस तो जो हमारे मैक्सटीन भाई हैं उन्होंने फिर बताया कि मैंने अगले दिन उन पर एफआईआर करवाई और उन पर पता है 307 का जो मुकदमा है वो दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन फिर मुन्ना भाई ने अपना जो मैक्सटीन भाई है उन्होंने बोला कि जो वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने एफआईआर दर्ज तो की लेकिन जो मैंने उन पर खिलाफ मतलब गलत लिखी थी, हाँ, यानी कि जो अपना मैक्सटीन भाई उन्होंने बोला था कि जो 307 की जो अपनी धारा है वो लगाई जाए, पता है 302 की थी शायद, हमें इतनी नॉलेज नहीं है चीज के बारे में, तो उसी चक्कर में जो अपने थाना इंचार्ज थे उन्होंने अपना जो मैक्सटीन भाई उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जैसी मैंने एफआईआर बोला था कि ऐसी एफआईआर उन पर जो धारा है वो लगनी चाहिए, लेकिन जो थाना इंचार्ज है उन्होंने उस पर एलविश यादव पर वैसी धारा नहीं लगाई, ठीक है, तो उस चक्कर में अपना मैक्सटीन भाई उन्होंने बोला कि जो हरियाणा का जो न्यायालय है यानी कि हरियाणा का जो अपना जजमेंट है बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है, वो सिर्फ जो जिसके पास पैसा है उसके ही साथ देता है, यानी कि जो गरीब आदमी है उसको बिल्कुल भी साथ नहीं देता। तो गाइस देखिए चलो ये तो कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है, यूट्यूब पर आती जाती रहती है, अभी एक आई दो ये खत्म होगी तो कोई ना कोई और आ जाती है, लेकिन गाइस जैसे कि हम अभी यूट्यूबर हैं बहुत ही ज्यादा छोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, तो ठीक है इसके लिए हमें जो जागरूक है वो रहना पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, हम अपना ओपिनियन देने वाले थे कि ऐसा कुछ हो जो कंट्रोवर्सी अगर हो जाती है तो क्या करना चाहिए, ठीक है, तो गाइस जो मेरा ओपिनियन है वो तो ऐसा है कि मानो कि अगर एलविश यादव भाई हैं तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जो यूथ है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो एलविश यादव को यानी कि फिजिकल बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, अगर उनकी कोई आपस में बातचीत हो चुकी थी तो उन्होंने पहले आपस में निपटाना था, यानी कि ये जो ये जो फाइट हुई है ये सोशल मीडिया पर उछालनी थी ना, उछालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आपस की उनकी जो बातचीत है वो उनको आपस में ही करनी चाहिए थी वहीं पर, ठीक है, और एलविश यादव की ये भी गलती है कि उन्होंने जब आ रहे थे तो उसी वक्त पहले ही हाथ उठा दिया उन्होंने, मारपीट करने लगे, वो बिल्कुल ही रॉन्ग बात है, क्योंकि अगर वो जो हमारे मैक्सटीन भाई वो उनसे हेलो हैंडशेक कर रहे हैं तो उनका ही फर्ज बनता है कि वो भी उनसे हैंडशेक करें ना कि ऐसे मारपीट करें, तो
जो हमारे ओपिनियन के हिसाब से देखिए, अगर एल जी यादव की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो उसके बीच कुछ हेटर्स भी होते हैं कि ठीक है, मानिए अगर हमारे 100 फैंस हैं तो एक दो बीच में हमारे हेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्ज बनता है कि हम उन दो हेटर्स को छोड़कर उन जो हमारे 98 जो हमारे फैन है हम उनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि उनको हम जो हमारे दो हेटर्स हैं उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो चलता ही रहता है, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी हो बेशक वो एलविश यादव है या शाहरुख खान है, तो सबके जो हेटर्स हैं वो होते ही हैं, ठीक है। हमारे एक दो हेटर्स हो गए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमारे फैन तो नहीं है लेकिन हेटर तो जरूर होते हैं, हेटर तो होते ही हैं, हमारे हर आदमी का एक गाइस हेटर तो होते हैं। अगर हम ऐसे ही हेटर्स को रिप्लाई करते फ्री रिप्लाई करेंगे तो ऐसे तो हमारा यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो गाइस यानी कि मेरा मानना ये है कि एलविश यादव भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए था, और जो हमारे मैक्सट्रीम भाइयों के साथ हुआ तो गलत है, लेकिन हमारे जो मैक्सट्रीम भाई हैं उनको भी ऐसे जो वीडियो है वो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी सोशल मीडिया पर, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि जो ये चीज़ हुई है ना इनमें दोनों का ही जो नुकसान हुआ है, यानी कि एलविश यादव भाई का भी हुआ है और जो हमारे मैक्सट्रीम भाई हैं उनको तो आपको पता ही है कि उनकी चोट भी लग चुकी है, ठीक है। तो एलविश भाई बोलते हैं कि जो मैक्सट्रीम भाई हैं वो पहले ही मुझे अपना ट्रोल है जो करते रहते थे, क्योंकि उसके बारे में भी मुझे तो नहीं पता है, ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है। और जो एलविश यादव की मेरी रिसेंटली वीडियो आई है तो उसमें उन्होंने बोला कि जो अपने मैक्सट्रीम भाई हैं उन्होंने मेरी फैमिली को जला देने की बात की, बोला कि मैं तुम्हें जिंदा दूंगा, तो उस चीज़ का भी उन्होंने बोला तो जरूर लेकिन प्रूफ बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो गाइस हमारा यानी कि हमारा तो यही मानना है कि उनको ये ऐसी चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, यानी फिजिकल फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, सोशल मीडिया पर अगर हुई है तो उसे सोशल मीडिया पर ही निपटा देना चाहिए था, या फिर आपसे मिलकर ऐसे बात को रफा दफा कर देना चाहिए था। अभी ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट तो हो चुकी है, अभी देखते हैं कैसे खत्म होती है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो करें ही, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो आपके फैंस हैं जिनको इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो कंफ्यूज हुए हुए हैं कि ये कैसे फाइट शुरू हुई, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको पता लग सके ये जो कंट्रोवर्सी है वो कैसे शुरू हुई। आप कुछ बोलोगे? हम तो बस यही कहना चाहते हैं भी ऐसी लड़ाई वगैरह होने नहीं चाहिए, मतलब जो इन्होंने फाइट हुई है ये सोशल मीडिया पर नहीं उछालनी चाहिए इनको। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि गाइस सोशल मीडिया पर वो ऐसे होती रहती है। अभी जो हमारे पंजाब की सिंगर है सिद्धू मूसेवाला वर्सेस करण औजला, ठीक है, उनका भी काफ़ी हुआ है पीछे से, कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे आपस में फिजिकल होकर कभी फाइट नहीं की, ना ही कभी बोला ऐसे फिजिकल होकर, हाँ सोशल मीडिया पर वो करते रहते हैं, दूसरे को बुलाएं, वो सोशल मीडिया की दुनिया है ना वो अलग दुनिया है, और जो हमारी रियलिटी वाली दुनिया है ना वो अलग है, ठीक है। उनको हमें मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे हेटर्स भी बहुत हैं, हमारे अगर फैन है तो हेटर्स भी बहुत हैं, और ऐसे रियलिटी में है तो उस चीज़ को हम मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे एक साइड रखो और जो हमारी सोशल मीडिया लाइफ है वो एक साइड हमें रखनी चाहिए। तो गाइस हम तो बस यही बताना चाहते थे कि जो अपना जो एलविश भाई है उनकी भी गलती है, और जो हमारे अपना मैक्सट्रीम भाई है उनकी भी गलती है। अभी उनको अगर उनको अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म करनी है तो मुझे लगता है कि उनको आपस में ऐसे मिलना चाहिए, मिलकर जो बातचीत है वो कर लेनी चाहिए, तभी मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी का जो अंत है वो हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि ये खत्म कभी खत्म हो पाएगी, क्योंकि ऐसे तो अगर हम इसे जितना बढ़ावा देंगे तो इतनी अपना लंबी चली जाएगी, ठीक है। अभी भलाई इसी में है कि दोनों मिलकर आपस में निपटा दे, ठीक है। जो हमारे नए यूट्यूबर हैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि आपको ऐसे कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता भी है ना तो आप उस चीज को इग्नोर करें, ठीक है। अगर इग्नोर नहीं हो रहा तो उस चीज को आप उसने पर्सनली मिलकर उसे निपटा ले, क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ फैलाने की इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।